बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इम्यूनिटी आप कह लें एक ह्यूमन की, एक एनिमल की या एक ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी या उस एबिलिटी को कहते हैं जिसमें वो ऐसे पार्टिकल को रिकग्नाइज करते हैं जो कि बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल्स कंसिडर किए जाते हैं, फॉरेन मटेरियल्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, इंट्यूशन का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसा इन्वेडर जो ह्यूमन बॉडी या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब एंटर होता है तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स, कुछ ऐसे एंटीजन, कुछ ऐसे कहने के स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं जो उन फॉरेन पार्टिकल्स, जो कि वो मटेरियल, वो इन्वेडर्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी के लिए अननाउन है उनको रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, उनको रिकग्नाइज करके उनको रिकग्नाइज करते हैं और सेल्स और या उन सेल प्रोडक्ट्स को मोबिलाइज करते हैं जो इन फॉरेन मटेरियल्स को रिमूव करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस। इस प्रोसेस को, इस एबिलिटी को, इस कैपेसिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें उन्होंने एक बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन इन्वेडर या कोई भी ऐसा जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के लिए अननाउन है, फॉरेन है, उसका, उस बॉडी का पार्ट नहीं है, उसको रिकग्नाइज करेंगे और उन सेल्स को मोबिलाइज मतलब उनको हरकत में लाएंगे जिन सेल्स ने या जिन सेल प्रोडक्ट्स ने इन पार्टिकल्स को बॉडी से रिमूव करना होता है विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस। इम्यूनिटी से हमारा जो मेन सिस्टम बनता है या जो जिस सिस्टम से हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। एनिमल्स में इम्यून सिस्टम के तीन मैकेनिज़म्स दिए जाते हैं, तीन मैकेनिज़म्स प्रेजेंट हैं इम्यून सिस्टम में। हमारे डिफेंसिव मैकेनिज़म्स हैं, डिफेंसिव सिस्टम है जो हमारी बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, इन्वेडर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तीन मैकेनिज़म्स कौन कौन से हैं? फिज़िकल बैरियर्स मौजूद हैं, लाइक हमारी स्किन है, उसके अलावा हमारे स्टमक में, हमारे जो कह लें कि हमारे स्टमक में हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक तरह के पैथोजेंस के लिए, पैथोजेंस की एंट्री के लिए एक बैरियर होती है कि उनको एंटर नहीं होने देती। ठीक है, उसी तरह हमारी स्किन के थ्रू बैक्टीरिया वगैरह एंटर नहीं हो सकते जब तक स्किन पर इंजरी ना हो या वॉन्ड ना हो। उसी तरह से जब तक मेम्ब्रेन पे किसी तरह की इंजरी या वॉन्ड नहीं हो जाती या वो मेम्ब्रेन वहाँ से खाली या कहने वहाँ से रिमूव, कोई हिस्सा उसका टूट या डैमेज नहीं जाता, तब तक कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन जो है वो हमारे ऑर्गन या इनसाइड द बॉडी एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद मैक्रोफेजेस, यानी कि जो फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, फैगोसाइटोस करते हैं किस चीज़ को? सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं। और थर्ड वन इज़ वाइट ब्लड सेल्स का लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी। लिम्फोसाइट्स की दो टाइप्स हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ टी एंड बी। कंपोनेंट्स के लिहाज से बात करें तो हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं एज अ कंपोनेंट। इम्यून सिस्टम के अंदर दो मेजर कंपोनेंट आते हैं, वो वाइट ब्लड सेल्स की टाइप हैं, लिम्फोसाइट्स बी और लिम्फोसाइट्स टी। लिम्फोसाइट्स बी जो है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज क्या है? दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। और लिम्फोसाइट्स सी, सॉरी टी, दीज बोथ आर, दीज टू टाइप्स और दीज टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर इन सेल्स पे अटैक होता है तो इट मींस के हमारा वाइट ब्लड सेल, हमारे वाइट ब्लड सेल्स की जो टाइप है, इनकी नंबरिंग जो है, इनकी जो अमाउंट है, इनका नंबर जो है वो कम हो जाता है, जिसके रिजल्ट में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है और हमारे अंदर हमारी जो इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़त है किसी भी बीमारी के मुखालिफ लड़ने की वो कम हो जाती है। जैसे एड्स की अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल दें, आपकी बुक पर एड्स की भी एग्जाम्पल गिवन है जो आगे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। एड्स में हमने क्या बताया था कि जब एच आई वी वायरस जो है, रेट्रोवायरस जो है, जब वो हमारे वाइट ब्लड सेल्स के लिम्फोसाइट्स के सीरीफोर रिसेप्टर साइट पे एंटर होते हैं तो वो उस बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक कर रहे हैं। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे जब वो अटैक करते हैं तो उसके रिजल्ट में टी लिम्फोसाइट्स की नंबरिंग कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यूनिटी नहीं दे पाता और हम उस वायरस के अगेंस्ट और हमारी बॉडी का जो कुव्वत मुदाफ़त है या जो इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी को उस वायरस के अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर पाती है। उसके बाद हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। जब हम कंपोनेंट्स को स्टार्ट कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम एंटीबॉडीज़ का पॉइंट भी देखते चलें। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ बेसिकली वो प्रोटीन्स हैं, यानी इनको हम इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं। दीज आर इम्यूनोग्लोबिन्स। ये बैक्टीरिया को, वायरसेस को या जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, इनको डिटेक्ट करने का काम या इनको मार्क करने का काम एंटीजन करती है। जो एंटीजन का काम क्या होगा? कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा जो बॉडी में एंटर होगा वो इसकी एंटीजन बेसिकली सिग्नल देगी हमारे सेल्स को, हमारे वाइट ब्लड सेल्स की टाइप लिम्फोसाइट्स को, कि वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करें। तो जो चीज़ जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बनती है, एंटीबॉडीज़ उन्हीं चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। सो वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है। किसके रिस्पॉन्स में होती है? एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में होती है। ये एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो इनको इमोबिलाइज कर देती है या उनको, आप कह लें कि अल्टीमेटली उनकी डिस्ट्रक्शन, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है।
एंटीजन क्या चीज़ होगी? एंटीजन कोई पार्टिकल भी हो सकता, कोई पार्टिकल हो सकता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकती है। बेसिकली एंटीजन वो सब्सटेंस है जिसने एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन के लिए सिग्नल या स्टिमुलेशन देनी है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ जब बन जाती हैं तो एंटीजन को ही डिस्ट्रॉय करती हैं। सो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं दे आर स्पेसिफिक, ये उन एंटीजन्स की डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं जी, उन एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करती हैं जिन एंटीजन्स की वजह से इनकी प्रोडक्शन होती है। एंटीबॉडीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है बी लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स में ये पहले बनते हैं, वहाँ से ये लिम्फ में और ब्लड में स्क्रीट आउट होते हैं, वहाँ पे जाके ये फ्रीली जो है ये सर्कुलेट करते हैं। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स में हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स टी और बी। इनकी नेमिंग जो की गई है इनके जिन ऑर्गन्स के साथ, जिन ग्लैंड्स के साथ इनका रिलेशन देखा गया है उनकी बेस पर इनकी नेमिंग की गई है। टी का जो नाम दिया गया लिम्फोसाइट्स को वह थायमस ग्लैंड की वजह से, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये हमारे अंडर द चेस्ट बोन, अंडर द स्टर्नम और लंग्स के बिटवीन में ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और दूसरा जो बी है दैट इज़ नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुर्सा ऑफ फेब्रिकस। बुर्सा ऑफ फेब्रिकस क्या है? ये एक लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है जो यंग बर्ड्स के क्लैकर वॉल में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई थी कि इसको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बर्ड्स में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसके बाद वहाँ से आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो चुके हैं एनिमल्स की बेस पे, ह्यूमंस की बेस पे, उनके अंदर इसका फंक्शन एज अ इम्यून सिस्टम के अंदर मेजर रोल के तौर पे इसका फंक्शन जो है वो स्टडी किया जा चुका है। थायमस ग्लैंड टी सेल्स की फॉर्मेशन के लिए थायमस ग्लैंड का इन्फ्लुएंस या थायमस ग्लैंड का फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टी सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं और टी सेल्स को इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बनाते हैं। यानी कि वो इतना उसको उसको इतनी एबिलिटी देते हैं कि वो एंटीजन को रिकग्नाइज कर सके या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिकग्नाइज कर सके, उनके साथ फाइट कर सके और हमारी बॉडी को डिफेंड कर सके या हमारी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ा सके, जिससे हमारी डिजीज़ के साथ कंपेयर करने की, फाइट करने की एबिलिटी जो है वो इन्हांस हो सके। लिम्फोसाइट्स के रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं या बी लिम्फोसाइट्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं जब उन्हें कोई एंटीजन मिलता है या जब वो किसी एंटीजन को रिकग्नाइज करते हैं। यहाँ पे दो मेथड्स दिए गए हैं, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स और दूसरा है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जिसमें टी सेल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। टी सेल्स एंटीजन को रिकग्नाइज करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या जो एंटीजन है उस एंटीजन को रिकग्नाइज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ना शुरू करते हैं। कंपैट का मतलब होता है फाइट करना, ठीक है। और अगर कह लें कि टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हुई होती है तो फॉरेन टिश्यूज़, यानी किसी भी फॉरेन पार्टिकल का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई टिश्यू वहाँ पे मौजूद होगा तो उन फॉरेन टिश्यूज़ को रिजेक्शन करते हैं। इसको हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। इन शॉर्ट इस प्रोसेस में या इस रिस्पॉन्स में सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो टी सेल्स हैं वो डायरेक्टली अपना काम करेंगे, डायरेक्टली जो फॉरेन पार्टिकल कहने के हमारी बॉडी में एंटर होता है उसको रिकग्नाइज करते हैं और उसके साथ फाइट करते हैं। सेल्स डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसमें बी लिम्फोसाइट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। बी सेल्स ने क्या काम करना है यहाँ पे? एंटीजन्स को रिकग्नाइज करना है। ये प्लाज्मा सेल क्लोन बनाते हैं जिससे आगे बनेगा प्लाज्मा सेल्स। वो प्लाज्मा सेल्स जब बनते हैं और एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू करते हैं, लिबरेट करना शुरू करते हैं इन द ब्लड टिश्यू फ्लूइड, देन वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया है या कोई दूसरा वायरस है या कोई भी पैथोजन मौजूद है उसकी सर्फेस पर जाके अटैच होना शुरू हो जाते हैं। अब वो अटैचमेंट किस लिए होगी? ताकि वो फैगोसाइटोसिस कर सकें। फैगोसाइटोसिस हम किसे कहते हैं? इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी कि किसी भी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करना। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में जो बी सेल्स प्लाज्मा क्लोन सेल्स बनाते हैं एंटीजन्स को रिकग्नाइज करके, उन प्लाज्मा सेल क्लोन से प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, वो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ रिलीज बनाना शुरू करेंगे, वो एंटीबॉडीज़ ब्लड प्लाज्मा में और टिश्यू फ्लूइड में रिलीज होंगे। यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा में और टिश्यू फ्लूइड में जो भी पैथोजन लाइक बैक्टीरिया अगर मौजूद है तो ये एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया की सर्फेस पर जाकर अटैच हो जाएंगी फैगोसाइटोस करने के लिए। जैसे ही वो फैगोसाइटोसिस काम शुरू करते हैं वो बैक्टीरिया के साथ कंबाइन करके और बैक्टीरिया को इनगल्फ करना शुरू करेंगे। इन बैक्टीरिया ने जो टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस किए होंगे, जो टॉक्सिन्स रिलीज किए होंगे, उनको न्यूट्रलाइज, यानी कि उनके इफेक्ट को कम करना शुरू करेंगे बाय रिलीजिंग और बाय प्रोड्यूसिंग एंटी टॉक्सिन्स।
तो यहाँ पर देखें ह्यूमरल में बेसिकली आप कह रहे हो कि यहाँ पे सेल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सेल्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे. यहाँ पे बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, पहले वो सेल्स डिवाइड, सेल्स की डिवीजन करवा रहे हैं, सेल्स की डिवीजन के बाद वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं. यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर बेसिकली लिक्विड जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर आप कह रहे हो ना कि ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर एंटीबॉडीज भेजी जा रही हैं, तो इसमें लिक्विड के जरिए हो रहा है, यानी कि प्लाज्मा के जरिए काम हो रहा है. तो ह्यूमरल हम बेसिकली लिक्विड को कहते हैं. तो जब हम आप कहने कि किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ या किसी भी स्पेसिफिक एजेंट के अगेंस्ट हमें जब वैक्सीनेशन दी जाती है, तो वैक्सीनेशन हमें बेसिकली उस इन्फेक्शन या उस बीमारी के मुखालिफ हमें इम्यून करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है. तो जैसे अगर हम एग्जांपल दें यहाँ पे पोलियो की, मम्स की या मीज़ल्स की, जैसे पोलियो की हमें वैक्सीनेशन दी जाती है फ्रॉम 1 to 5 ईयर. वो वैक्सीनेशन किस लिए दी जाती है कि वो लाइफ टाइम वैक्सीनेशन होती है, कि अगर हमारी पूरी ज़िंदगी में हम जितनी देर सर्वाइव कर रहे हैं, जितनी देर जिंदा हैं, अगर उस पोलियो का, उस डिज़ीज़ का वायरस हमारी बॉडी में बन जाए या किसी तरह से एंटर हो जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसकी वो इतनी इम्यूनिटी देगा, वो इतनी कुव्वत मुदाफ़त देगा कि उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम अपनी फ्यूचर लाइफ में उसको, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी उस वायरस की वजह से, उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है हमें डिफेंड, हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमें डिफेंड कर सकता है, ठीक है. तो ये पहले वैक्सीनेशन लगती है या बचपन में या चाइल्डहुड में जो वैक्सीनेशंस दी जाती हैं, वो वैक्सीनेशंस किस लिए दी जाती हैं कि अगर इन डिजीज़ के वायरसेस या इन डिजीज़ के बैक्टीरिया या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू, इंजरी के थ्रू या किसी भी तरह से अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, तो इन फ्यूचर लाइफ अगर वो वायरसेस या वो पैथोजेंस डिजीज़ कॉज करें, वो इन्फेक्शन कॉज करें, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा. प्रोटेक्ट का मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करेगा, हमें इम्यून करेगा, हमें स्ट्रॉन्ग करेगा कि हम उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट जो है बॉडी को डिफेंड, उस डिजीज़ के अगेंस्ट हम लड़ सकें. यहाँ पे आपको जस्ट स्केच आउट समझाने के लिए यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रही हूँ, ह्यूमरल रिस्पांस की और सेलुलर रिस्पांस की. जैसे कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस जो है वो उसके साथ उस पर एक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है. जिसके बाद अगर हम अपने रिस्पॉन्स के लिहाज से बात करें, तो बी सेल्स और टी सेल्स की फॉर्मेशन होती है. सेलुलर सेल्स में देखिए टी सेल्स डायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं, ठीक है. मैक्रोफेजेस हेल्पर टी सेल्स की जो CD4 रिसेप्टर साइट्स होते हैं वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं. उनकी मेन कहने की साइट है जो कि किसी ना किसी वायरस या पार्टिकल या जो फॉरेन पार्टिकल उसकी एंट्री को अलाउ कर रहे होते हैं, बॉन्डिंग कर रहे होते हैं बेसिकली उनके साथ. तो जब हम टी सेल्स की, हेल्पर टी सेल्स की बात करते हैं, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो बनते हैं वो सेल डायरेक्टली फैगोसाइटोस करते हैं या डायरेक्टली फॉरेन पार्टिकल पे एक्ट करते हैं. जबकि बी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स जो है पहले वो डिवाइड होना शुरू करते हैं, वो डिवाइड होंगे यानी कि वो पहले प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स डिवाइड होकर एंटीबॉडीज बनाएंगी, प्लाज्मा में रिलीज होंगी, एंड देन वहाँ से प्रॉपरली जो है वो वर्किंग स्टार्ट होती है या कहने की रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है. डायग्राम इसकी बेटा आप लोगों ने नहीं करनी, अगर कर सकते हो तो ज़रूर ड्रॉ करो, अदरवाइज आप इसकी जो डिटेल है उसी को आप याद करोगे. उसके बाद हमारे पास आ जाती है जो इम्यून सिस्टम की वजह से जो इम्यूनिटी हमें डेवलप होती है, वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी की. वैक्सीन्स को हम यूज़ करते हैं, वैक्सीन्स इंजेक्ट की जाती हैं जो एंटीबॉडीज बनाती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जिससे एक पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन को जिसमें वो डिज़ीज़ है या इन्फेक्शन है, उस डिज़ीज़ और इन्फेक्शन के अगेंस्ट उसको इम्यून बनाया जाता है. ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है. ये दो तरह की होती है, एक आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती है और एक नेचुरली इंड्यूस होती है. आर्टिफिशियली इंड्यूस जो होती है उसमें आप ये कहने के ज़्यादातर वैक्सीन्स जो होती हैं उनके अंदर नॉन वायरेंट म्यूटेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एटीन्यूटेड वायरसेस के, यानी कि ऐसे वायरसेस से वो कहने के उनका मटेरियल निकाला जाता है, उनके न्यूक्लिक एसिड्स निकाले जाते हैं, जो वायरसेस, जिन वायरसेस का जहरीली मादा जो है वो बिगड़ चुका हुआ होता है, यानी कि उनके जहरीली मादे को डिस्ट्रॉय करके उनसे हम वैक्सीन्स बनाते हैं. जैसे अगर हम यहाँ पे कोरोना वायरस की एग्जांपल लें, तो जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं उनका ब्लड प्लाज्मा लिया जा रहा है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, वैक्सीन्स बनाने के लिए, कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए. इट मींस वैक्सीन्स जो है वो ज़्यादातर उन लोगों से के ब्लड प्लाज्मा से या ऐसे वायरसेस, वैक्सीन जो है बेसिकली वायरसेस से ही बनाई जाती हैं, ठीक है. वायरसेस में क्या करेंगे यहाँ पे कि वो ऐसे वायरसेस या उन वायरसेस को इस्तेमाल करेंगे जिनके DNA को, जिनके RNA को या जिनके जेनेटिक मटेरियल को हम चेंज कर सकते हैं, हम उसमें म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं. तो वैक्सीन्स, ज़्यादातर वैक्सीन्स के अंदर नॉन वायरेंट और म्यूटेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उन वायरसेस के जो डिजीज़ कॉज कर सकते थे. अब वो जो डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं उनमें म्यूटेशन कॉज कर दी जाती है, यानी कि उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है, इसलिए वो नॉन वायरेंट हो जाते हैं, यानी कि वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकते, ठीक है. तो ऐसी, तो इन वैक्सीन्स को
इन वैक्सीन्स को एक्टिव इम्यूनिटी के केस में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब वो आर्टिफिशियली बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो उसमें कहने की उस वैक्सीन के रिजल्ट में एंटीजन इंट्रोड्यूस होता है बॉडी में। वो एंटीजन जो है जब वो आर्टिफिशियली हम एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी को इंड्यूस करवाने के लिए या एक्टिव इम्यूनिटी को इन्हांस करवाने के लिए या हमारे इम्यून सिस्टम में हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवली आर्टिफिशियली अगर हम जनरेट करवा रहे हैं तो उसको हम आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। यानी कि इसमें आप एंटीजन जो है वो नेचुरली मौजूद नहीं होगा, आप इसमें इंजेक्शंस के ज़रिए या किसी ना किसी वैक्सीन के थ्रू आप इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी को इन्हांस करोगे या एक पर्सन को डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून करोगे। नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें अगर एक पर्सन किसी भी पैथोजन कोई भी पैथोजन का अटैक हुआ है या कोई इन्फेक्शन कॉज हुई है और वो पर्सन जो है वो इफेक्टेड या वो पर्सन जो है वो बीमार हो गया है तो उस इन ज़्यादातर ऐसे केसेस में होता है कि वो पर्सन फिर भी सर्वाइव कर रहा है क्योंकि उसके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है जो उसको डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही है, डिफेंड कर रही है। ऐसी जो कहने की इम्यूनिटी होती है वो आप नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी का के बेस पे बताते हो कि वो नेचुरली इंड्यूस्ड हुई है कि हमारी जैसे कुछ लोग होते हैं जो बीमार होते हैं उनको नज़ला ज़ुकाम होता है या वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो वो उस चीज़ को उस डिज़ीज़ को उस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए ट्रीट करने के लिए मेडिसिन नहीं लेते, वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इट मीन्स कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो खुद ब खुद उनकी इम्यून सिस्टम जो उनको इतनी इम्यूनिटी देता है वो उनको इतना इम्यून कर देता है कि वो उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट नेचुरली ठीक हो जाता है, नेचुरली उनकी बॉडी जो है वो डिफेंड कर रही होती है। ऐसे इम्यूनिटी को हम ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। सेकेंड टाइप है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। अगर एंटीबॉडीज़ एंटी सीरा की फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं और एक पर्सन को डिजीज़ या इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यून बनाया जा रहा है दैट विल बी पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि यहाँ पे आप कह लें कि डायरेक्टली इम्यूनाइज नहीं किया जाता, ये टेम्प्ररी होता है, परमानेंटली ये नहीं हो सकता। पैसिव इम्यूनिटी जो है क्योंकि हम इंजेक्शन दे रहे हैं, हम एक एंटी सीरम देते हैं, उसमें एंटी सीरम किसे कहते हैं, एंटी सीरम लिक्विड होता है, बेसिकली सीरम होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर देखिए आप एंटीबॉडीज़ खुद से दे रहे हैं, ठीक है, जब आप एंटीबॉडीज़ खुद से दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें एंटीबॉडीज़ का इफेक्ट भी कम ही होगा, ठीक है, ये टेम्प्ररी होती है। तो वो इम्यूनिटी जिसमें हम एंटीबॉडीज़ एंटीसीरा की फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, पर्सन को इम्यून बनाते हैं डिजीज़ या इन्फेक्शन के अगेंस्ट, लेकिन वो टेम्प्ररी बेसिस पे होता है, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब इसमें जब एंटीसीरम दिया जाता है तो बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, ठीक है, जो आगे फर्दर फैगोसाइटोसिस करते हैं और जो फैगोसाइटोस का काम करते हैं और जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में मौजूद होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं कि उसमें इन्फेक्शन कॉज हो या जो विनोम या जहर जो उसकी बॉडी में फैला है उसका कोई इफेक्ट हो सके। पैसिव इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स या उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, पैसिव इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स जो है होता है वो फ़ौरन से है, ठीक है, इमीडिएट है, बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कह लें कि एक आप कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाने का टाइम नहीं उनको मिलता, ठीक है, इतने ज़्यादा यानी सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं होती है, सफिशिएंट लेवल में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं होती है। जब एंटीबॉडीज़ एक बार बन जाती हैं और एक बार बनने के बाद जब वो इस्तेमाल हो जाती हैं, ठीक है, तो वो उनका एंटीबॉडीज़ की क्वांटिटी जो है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, इस्तेमाल होने के बाद एंटीबॉडीज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी और जब वो कम होना शुरू हो जाती है तो दोबारा से एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब मेथड क्या है इसको यूज़ करने का, पैसिव इम्यूनाइजेशन के मेथड यूज़ किया जाता है जिसमें हम कहने के हम एक्टिव इन्फेक्शन के अगेंस्ट कम्बैट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, जैसे टेटनस हो गया, इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस हो गया, रेबीज हो गई या स्नेक बाइट विनोम वगैरह हो गए, यानी कि जब सांप काटता है डसता है तो उसका जो जहर बॉडी के अंदर जाता है तो उसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है कि हम एंटी सीरम्स वगैरह देते हैं। अच्छा, अगर स्नेक का कहने के विनोम स्नेक बाइट से विनोम जो बॉडी में जाता है उसके लिए हम एंटीटॉक्सिन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जो पैसिव इम्यूनिटी की जाती है, पैसिव इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस की जाती है वो एंटीटॉक्सिन से होती है। तो इट मींस कि स्नेक बाइट विनोम के केस में जो सीरम यूज़ होगा उसको हम एंटी विनोम सीरम का नाम देंगे। ये एंटी विनोम बेसिकली वो सीरम होगा जिसके अंदर विनोम के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, विनोम के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एंटीटॉक्सिन मौजूद होंगे। तो पैसिव इम्यूनिटी के लिहाज से अगर आप इम्यून सिस्टम एड्स के पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम देखें तो एड्स क्योंकि आपको पता है वायरस की वजह से कॉज होता है। अब यहाँ पे जो सफरिंग जो चीज़ सफ़र की जाती है बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में जो चीज़ इफेक्ट होती है वो हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसमें उसकी वर्किंग या उसका जो फंक्शन है वो डेफिशिएंट होना शुरू होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम समटाइम्स कहते हैं कि इम्यून सिस्टम जो है वो कोलैप्स भी कर जाते हैं। तो जो एड्स के विक्टिम्स होते हैं या एड्स के पेशेंट्स जो इफेक्टेड होते हैं
वो बैक्टीरियल उनमें बैक्टीरिया की डिजीज़ भी हो सकती है, उनमें कैंसर भी हो सकता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस भी होंगी तो इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है उनका कि बैक्टीरिया है, कैंसर है, बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो उसको उन डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेंड नहीं कर पाता, उनके अगेंस्ट वो ओवरकम नहीं कर पाता है। हाँ, अगर नॉर्मल कंडीशंस आ जाएँ कि इम्यून सिस्टम की जो कहने की कैपेसिटी एबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, देन वहाँ पे आप कह सकते हो कि इम्यून सिस्टम जो बॉडी को डिफेंड कर रहा है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम के टी सेल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम बॉडी को डिफेंड करना छोड़ देता है। एड्स ऐसी डिजीज़ है जिसका अभी तक प्रॉपरली कोई क्योर नहीं है, ठीक है। इसकी स्प्रेडिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए स्प्रेड होती है, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो तो उससे स्प्रेड होती है, और अगर हम यूज हुई हुए यूटेंसिल्स, सिरिंजेस वगैरह या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर हम वो इस्तेमाल करें तो उनसे भी इम्यून जो एड्स के पेशेंट्स हैं, एड्स की जो बीमारी है वो फैल सकती है। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी की बेस पे। ये आप एज अ लॉन्ग भी तैयार करोगे, आप इसको एज अ शॉर्ट भी तैयार करोगे। इसमें से जो आपका है सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ये आपको एज अ शॉर्ट भी पूछ सकते हैं। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बेस पे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकते हैं। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बट आप इसको तीनों शॉर्ट, MCQs और लॉन्ग तीनों के लिहाज से तैयार करोगे। और बेटा आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट और साथ ही हमारा सिलेबस यानी हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बेटा आप लाइव लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफ़।